Assalamualaikum dear students, my name is Riyan Javed and I am your math teacher. Class 10th, exercise 3.2 का रहे थे, आज हम इसको complete करेंगे. Question number 6 तक हो गए हमारे, जिसमें तो हमने पढ़ा था सिर्फ varies directly के directly proportional क्या होता है. आज हमने पढ़ना है question number 7. Question number 7 से 8, इसमें हम पढ़ेंगे inversely proportions. के inversely proportions क्या होते हैं? Question number 7 है हमारे पास, कह रहा है. Question number 7. If y varies inversely as x, अगर y जो है वो varies कर रहा है x के साथ inversely, one और x हो जाता है. जब directly लिखता है तो directly proportional तो हम x लिख देते हैं, क्योंकि वो चीज जब y बढ़ रहा होता है तो x भी बढ़ रहा होता है, y कम हो रहा है तो x भी कम हो रहा है. Inverse का मतलब ये होता है, one over x का मतलब ये होता है कि अगर y बढ़ रहा है तो x क्या हो रहा है, कम हो रहा है. अगर y कम हो रहा है तो x बढ़ रहा है, उल्टा हो जाता है. Inversely का मकसद भी यही होता है. एंड इसमें वैल्यूज दी हुई है, जब वाई कितना है 7 एंड एक्स है 2, वाई है तब 7 और एक्स है हमारे पास 2. उसके अलावा क्या फाइंड करना है अपने वाई जब एक्स है 126, वाई फाइंड करना है जब एक्स कितना है 126. ओके वैल्यूज का खत्म करना है इसको, तो क्या लगाएंगे इक्वल, इक्वल के बाद क्या लगाते हैं हम कोई भी कॉन्स्टेंट और बाद में वैल्यू एज इट इज. अब k वाले साथ मल्टीप्लाई करके तो k ओवर x हो जाएगा. वैल्यूज पुट करते हैं, y क्या है 7 ओवर k, फाइंड करना है कांस्टेंट इसके हमारे पास गिवन ही है, और x कितना है 2. अब 2 इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो जाके मल्टीप्लाई 7 2 का 14, तो k हमारे पास आ गया 14, कांस्टेंट आ गया हमारे पास 14. इक्वेशन इक्वेशन भी हमारे पास आ गई. अब पुट इन इक्वेशन 1, इस इन वैल्यूज को हम पुट करके इक्वेशन 1 के अंदर तो y फाइंड कर लेंगे. y इज इक्वल टू k ओवर x, k कितना है 14 और x कितना है 126, तो y आ जाएगा 27000, 26000 एंड 23000, 78000. तो y इज इक्वल टू आया हमारे पास 1 ओवर 8. चल के देखते हैं, सॉरी 9000, तो 1 ओवर 9. y हमारे पास क्या आया 1 ओवर 9. सबसे पहले सिर्फ कहा था कि y का क्या है वेरीज इनवर्सली, देख लेना ध्यान से हमने कि वो डायरेक्टली कर रहा है कि इनवर्सली कर रहा है. जब इनवर्सली करेगा तो 1 ओवर की फॉर्म में आ जाएगा. वो किया कॉन्स्टेंट लगाया, इक्वल का निशान लगा के कॉन्स्टेंट फाइंड कर लिया, दूसरा जो वैल्यूज गिवन दी थी उनको यूज करते हुए, और फिर जो हमारे पास कॉन्स्टेंट आया हमने वो जिसने क्या मैं कहा था फाइंड करें, तो हमने फाइंड किया कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट करके और जो हमें गिवन था, उसके बाद जो हमारे पास आ गया उसका आंसर आ गया. ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7. उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है. अब क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास उसमें यूज हो गई है पावर, तो मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10. अगर है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर जब ए कितना है 2 एंड आर कितना है 3, और कह रहा है आर फाइंड करके दे जब ए कितना है 72. सबसे पहले क्या करना है वैल्यूज का निशान खत्म करना है, इक्वल आएगा, इक्वल के साथ क्या आता है कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट के बाद से मल्टीप्लाई करके k ओवर r स्क्वायर वैल्यूज पुट करेंगे, a कितना है 2 ओवर k इनटू r कितना है 3, और उसकी पावर है हमारे पास स्क्वायर में तो स्क्वायर आ जाएगा. तो 2 ओवर k ओवर 3 इज 9, 9 से साइड पे डिवाइड हो जाएगा कि मल्टीप्लाई, तो 9 2 इज 18 ओवर 18 इज इक्वल टू आ गया k. कांस्टेंट कितना है हमारे पास 18, इक्वेशन भी आ गई है, यहां से पुट कर लेंगे पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या है हमारे पास इक्वेशन a इज इक्वल टू k ओवर r स्क्वायर, r कह रहा है फाइंड करना है जब a कितना 72 इज इक्वल टू k कितना आया 18 और r
स्केल आर से आर फाइंड करने हमने आर साइड पे डिवाइड कर दो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 72 आर स्केल इक्वल टू 18 आर स्केल हमें क्या चाहिए 72 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 18 ओवर 72 आ गया डिवाइड करेंगे आता है हमारे पास आर स्केल इक्वल टू 1/4 हमें आर स्केल चाहिए आर चाहिए तो हम क्या फाइंड आर तो क्या करेंगे स्केल खत्म करने के लिए टेकिंग स्केल रूट ऑन बोथ साइड स्केल रूट ऑन बोथ साइड तो आर स्केल अंडर रूट इज इक्वल टू 1/4 होल अंडर रूट आर स्केल अंडर रूट से क्रॉस तो आर इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट लिया तो 1/4 का अंडर रूट लिया तो 2 तो यहां हमारे पास आर आया इज इक्वल टू 1/2 इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें भी स्केयर है क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 उसने क्यूब कर दिया है तो एक मैं वो कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 13 मैंने थोड़ी देर हमारे पास कह रहा है एम m varies inversely to n की क्यूब n की क्यूब और जब m हमारे पास 2 है और n हमारे पास 4 है और फाइंड करके दें दो चीजें फाइंड करनी है एक बार वो कह रहा है m फाइंड करें जब n 6 है m फाइंड करें जब n है हमारे पास 6 और एक वो कह रहा है n फाइंड करें जब m है हमारे पास 432 सबसे पहले क्वेश्चन बनाते हैं वैल्यूज का निशान खत्म किया तो इक्वल आया कांस्टेंट आया k ओवर n की 3 पावर वैल्यूज पुट करें m है 2 इज इक्वल टू k ओवर n है हमारे पास 4 और उसका है स्क्वायर तो कितना आया 2 is equal to k और 4 का स्क्वायर किया तो 16 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 is equal to k कांस्टेंट भी आ गया इक्वेशन भी आ गई पुट करते हैं पुट इन इक्वेशन 1 अब हमारे पास इक्वेशन से फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन क्या है हमारे पास m is equal to k और n की पावर 3 m फाइंड करने एज इट इज आ गया k हमारे पास आया 32 और n कितना है 6 और उसका क्या है हमारे पास q तो 32 as it is 6 का अगर हम q लें तो है हमारे पास 216 डिवाइड करें टू से किया तो आया 16 नीचे किया तो आया तो आंसर 2 0 आ जाएगा नंबर 6 और डिवाइड हो रहा है तो 8 आर 16 2 4 54 आर 108 और हो रहा है 4 आर 8 2 7 आर 27 आर तो हमारे पास ये कितना आया m आया 4/27 और डिवाइड नहीं हो रहा है ये वाला हम कर देते तो हमारे पास m कितना आया 4 divided by 27 m आया अब दोबारा वैल्यूज पुट करेंगे इसको फाइंड करने के लिए बाकी क्वेश्चंस के सिलसिले में सिर्फ एक चीज फाइंड करने के लिए दी थी जहां पिछले में दो दे दिए हैं एक बार m दे रही है और m इवन है एक बार n फाइंड करना है m इवन है तो फिर पुट इन इक्वेशन 1 m is equal to k over n की क्यूब m कितना है 432 k कितना है 32 ओवर n की क्यूब n फाइंड करना है यानी यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आकर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा डिवाइड करें इसको कैसे डिवाइड कर लेते हैं तो 16 का 32 तो 2 का 4 तो 16 का 32 up to 8 are 16 and to
ones are 208. 4 divided by 2, 4s are 8. 2 5s are 10 and 5 4s are 15. हमारे पास n क्या है? n की क्यूब हमारे पास आया 4 over 15, 4. और डिवाइड बाय 2 से करेंगे over 2 and 7. n की क्यूब हमारे पास आया 2 over 27. हमें n अकेला चाहिए, क्यूब नहीं चाहिए. तो क्या करेंगे? टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड. क्यूब रूट ऑन बोथ साइड. n का फिनिश हो गया. n एज इट इज 2 का क्यूब रूट नहीं आता, तो इसके ऊपर ऐसे जाएगा 2 की क्यूब रूट ओवर 27 का क्यूब रूट है, तो हमारे पास आया 3. तो n इज इक्वल टू आया क्यूब रूट ऑफ 2 ओवर 3. तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें 12 खुद कर लेंगे. आज के लिए आज एक्सरसाइज 3.2 हमने कंप्लीट कर लिया. आज की क्लास 9. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.